हाय फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग अभी पीछे कई वीडियोस से हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं इस वीडियो में बहुत छोटी सी चर्चा करूँगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है प्लिंथ बीम का लेवल। हमें प्लिंथ बीम का लेवल कितना रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा प्लिंथ बीम का लेवल है और दूसरा है हमारा फ्लोर लेवल है कि हमें फ्लोर का लेवल कहाँ रखना है। दोनों सेम रखना है, दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं। और पहली बात, जो प्लिंथ बीम जो है वो रिलेवेंट है कहाँ कहाँ रिलेवेंट है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। अगर हम लोड बियरिंग बना रहे हैं तो उसमें प्लिंथ बीम अगर दे रहे हैं तो ठीक है, बट प्लिंथ बीम अगर हम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम प्लिंथ बीम दे रहे हैं और हमारा जो ग्राउंड लेवल है और प्लिंथ लेवल है और फ्लोर लेवल है, इन तीनों में क्या रिलेशन रखना है और कैसे उसको समझना है, आइए चलिए एक बार एक सेक्शन में बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है, और ये मेरा नीचे गया फाउंडेशन, टेंटेटिव बनाया, और ये मेरा है ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसको कहता हूँ ग्राउंड लेवल, है ना। अब देखिए, नॉर्मली जो देखा जाता है कि कम से कम 450 mm, है ना, या 1.5 फीट, 1.5 फीट, है ना, या 18 इंच, 18 इंच जो है ग्राउंड लेवल से फ्लोर लेवल रखा जाता है। ये हम अभी मानते हैं फिनिश फ्लोर लेवल, FFL जिसको बोलते हैं, ये हमारे बिल्डिंग के अंदर का फ्लोर लेवल है। और कई बार इससे ज़्यादा भी लोग रखते हैं अपने एरिया के हिसाब से, जहाँ पे बिल्डिंग बनी है कई बार ये 3-3 फीट तक भी होता है, है ना। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 18 इंच है, अगर ये 3 फीट होगा तो भी। अब नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, इस लेवल पे हम लोग दे देते हैं प्लिंथ बीम जस्ट फ्लोर के नीचे, और ये हो गया आपका प्लिंथ बीम। है ना, अब ये प्लिंथ बीम दिया और ये हमारा आपका ग्राउंड लेवल है ना। अब क्या होगा, इसके ऊपर तो आप करोगे ब्रिक वर्क, ये आप करोगे ब्रिक वर्क, है ना, और यहाँ से नीचे है ग्राउंड, यहाँ पे कुछ गैप बच गया, है ना, ये गैप बच गया। अब इसमें अगर जब आप मिट्टी फिल करोगे तो ये गैप से बाहर निकल जाएगा मिट्टी, है ना, तो इस गैप को आपको फिल करना पड़ेगा। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये जो गैप है इसको कैसे फिल करोगे, तो यहाँ भी आप करोगे ब्रिक वर्क, है ना। अब ये ब्रिक वर्क करोगे, कैसे करोगे ब्रिक वर्क, आप नीचे ब्रिक के लिए भी एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अब यह थोड़ा सा तक खोदना पड़ेगा, थोड़ा सा खोदोगे, कम से कम 150 mm इसको खोदोगे, खोदने के बाद फिर आप यहाँ पे एक PCC का फाउंडेशन बनाओगे, कम से कम 150 mm, है ना, इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करोगे बीम के नीचे। उसके बाद आपने प्लिंथ बीम बनाया, फिर आपने फिनिश फ्लोर लेवल बनाया। अब देखिए, इसमें मेरा ये सजेशन है कि आप इस तरह से अरेंजमेंट मत कीजिए, ये गलत है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि आपको एक एक्स्ट्रा काम, ये फाउंडेशन बनाना पड़ा, PCC डालना पड़ा, यहाँ से खुदाई करनी पड़ी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लिंथ बीम जो है आप अपने फ्लोर लेवल पर ही डालें। प्लिंथ बीम को आप फ्लोर लेवल के नीचे ही नीचे भी डाल सकते हैं। अब इसका अरेंजमेंट ऐसा करिए, अब इसमें देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कुछ पैसा भी बच जाएगा और कुछ ईज ऑफ एक्सेस भी हो जाएगी। देखिए, ये हमारा फ्लोर लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, है ना। आप क्या करिए कि जो प्लिंथ बीम है आप यहाँ पर प्लेस करिए ग्राउंड लेवल पे, ये आप बना दीजिए प्लिंथ बीम और इसके ऊपर से आप ब्रिक वॉल बना दीजिए,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप मिट्टी फिल कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिट्टी फिल कर दीजिए, अगर 1.5 फीट 2 फीट मिट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मिट्टी फिल कर दीजिए, उसके बाद आप ऊपर बना दीजिए। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट है। बेनिफिट तो ये है कि आपको जो ये एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क बीम के नीचे करना पड़ा, ये फाउंडेशन बनाना पड़ा, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो टाइम और पैसा थोड़ा सा आपका सेव होगा। दूसरा है कि आपका कोई भी एक्सेस होगा, जैसे अगर आपने इस लेवल पे बीम डाला होता, जैसे यहाँ पे बीम डाला है और मान लीजिए यहाँ पे हमारा टॉयलेट है, अब क्या होता है कि टॉयलेट को कि पाइप की क्रॉसिंग जानी होती है, तो कई बार देखा जाता है कि इसको लोग तोड़ देते हैं जगह जगह से, वो पाइप की क्रॉसिंग और कुछ भी केबल क्रॉसिंग और कुछ भी, तो जब आप इसको तोड़ ही डालोगे तो फिर वो डालोगे ही क्यों, जब उसकी स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो जाएगी पाइप जाने के लिए, और जाने के लिए यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जब आपने इसको ग्राउंड लेवल पे कर दिया और आपका प्लेन फ्लोर लेवल ऊपर है, तब वो पाइप वाइप जाना है तो कहाँ से आराम से जा सकता है, यहाँ पे जो ब्रिक अवेलेबल है वो ब्रिक के अंदर से जा सकता है, ब्रिक को तोड़ते रहो जोड़ते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक बेनिफिट इससे होता है ना। उसके बाद आपका अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हाँ यहाँ पे अगर आपको प्लिंथ लेवल पे देना है तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर पीसीसी का दे सकते हो, जिसको हम एज ए डीपीसी दे सकते हो, ताकि जो आपका मॉइस्चर वगैरह है वो आपके दीवार में ऊपर सिप ना करे। तो डीपीसी दे दो, कोई नहीं भी दोगे तो चलेगा, ऐसे भी जब आपने प्लिंथ बीम दे दिया तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक डीपीसी का लेयर दे सकते हो और फिर नीचे आप प्लिंथ बीम डाल दो, उसके ऊपर से आप कंस्ट्रक्शन करो, तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था प्लिंथ बीम का पोजीशन के बारे में। उसके बाद जो बीम आती है वो आती है आपकी लिंटल बीम, है ना, लिंटल बीम आती है आपके दरवाजे के जस्ट ऊपर, और फिर उसके बाद आता है आपका रूफ बीम, तो वो तो आपको जैसा है वैसा देना ही है, लेकिन जो प्लिंथ बीम है वो प्रॉपर लोकेशन पे प्रोवाइड करोगे तो थोड़े से पैसे और थोड़े से ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए, कुछ और जानना चाहते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में तो ज़रूर बताइए, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बना के अच्छी तरह से चीज़ों को समझाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।